सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट क्रैश कोर्स की चौथी क्लास में आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर बार सीटेट के इम्तिहान में ज़रूर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले गलतियों से मुतालिक सीटेट में जो सवाल आता है वो किस तरह से आता है ये जानते हैं। देखिए जो मिस्टेक्स हैं, जो बच्चों के मिसकंसेप्शंस हैं, जो इरर हैं, वो क्या हैं? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि राष्ट्रीय परिचर्या के रूपरेखा सन 2005, जिसे उर्दू में कौमी दर्शियात का खाका सन 2005 कहा जाता है, उसके मुताबिक जो गलतियां हैं वो भी अहम होती हैं। क्यों अहम होती हैं? क्योंकि गलतियां आमोजिस का हिस्सा हैं, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, और साथ ही साथ ये आमोजिस का इशारिया भी हैं, यानी कि इंडिकेटर हैं लर्निंग का। जो मिस्टेक्स हैं, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, गलतियां बच्चों को बसीरत देती हैं, उनको सोचने समझने की क्षमता देती हैं, उनको अंतर्दृष्टि देती हैं, इनसाइट उनके अंदर पैदा करती हैं। गलतियां टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फीडबैक का काम करती हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उस गलती से वो अपने आप का अंदाज़ा भी लगा लेता है कि वो कितने पानी में है। अगर कोई बच्चा गलती करे क्लासरूम में तो हमें फौरन उसकी गलती पे उसे टोकना नहीं चाहिए, यानी गलतियों की इसलाह फौरन नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? हमें गलतियों के पैटर्न को समझ लेना चाहिए। क्लास के आखिर में हमें डिस्कशन करते हुए बच्चों को फीडबैक दे देना चाहिए और उसी फीडबैक में बच्चों को ये एहसास करा देना चाहिए कि हाँ, मैं ये गलती कर रहा था जो कि अगली बार से नहीं करूँगा। तो याद रखिएगा, गलतियाँ तदरीसी आमोजिसी अमल का हिस्सा हैं, आमोजिस का इशारियाँ हैं, बच्चों में बसीरत पैदा करती हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फीडबैक का काम करती हैं, गलतियों की फौरन इसलाह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपसे एक अगर पॉइंट पूछ दे कि मादरी जबान दूसरी जबान के सीखने में खलल और रुकावट पैदा करती है, तो आप इस पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे, सही है कि गलत है? कौल यानी कि जो बयानात हैं वो दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो मादरी जबान है, जो हमारी मातृभाषा है, वो सेकेंड लैंग्वेज या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने में हमारे लिए रुकावट नहीं बनती है, बल्कि वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। अगर हमारी अपनी मादरी जबान, मान लो उर्दू हमारी मादरी जबान है, अगर हमारी उर्दू अच्छी है तो हम अंग्रेज़ी को आसानी से सीख पाएंगे, यानी कि हमारी जो उर्दू की अच्छी जानकारी है वो जानकारी हमें अंग्रेज़ी सीखने में मददगार होगी, माविन होगी, सही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से ज़्यादा ज़बानों का जानना, अगर बच्चे दो या तीन या चार ज़बानें जान रहे हैं तो ये क्या है? तदरीसी या मुजसी अमल में ये मददगार है। एक से ज़्यादा ज़बानों का जानना क्लासरूम में बच्चों को एक माहौल देता है जिसको हम कसीर लसानियात मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म भी सीखने में बहुत मददगार होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए रिसोर्स हमें समझना चाहिए। आगे हम उस पर तफसील से तबसरा करेंगे। पहले समझते हैं सीखना यानी कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता है। सीखना जो होता है, जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में हो।
जी नहीं, बल्कि स्कूल के बाहर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मार्केट में आप जा रहे हैं वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ सीख के ही आएंगे। इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो ये कहता है कि जो कुछ हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उनको बच्चों की रियल लाइफ से और स्कूल की बाहर की ज़िंदगी से रिलेट करके, मरबूत करके पढ़ाएं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें स्कूल में जो सबक हो वो सिर्फ दर्सी किताब पे ही मबनी ना हो, बल्कि हमें निसाब से परे इजाफी चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए, जिसे हम LAC यानी कि लैंग्वेज एकराजी करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सीखने के बारे में क्या कहा, तो जो तामीरियत पसंद नज़रिया के हिमायती हैं उनके मुताबिक बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज, साबिका मालूमात, पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने नए ज्ञान का सृजन करते हैं, यानी बच्चे नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि तामीर करते हैं, इल्म की तश्कील बच्चे खुद से करते हैं। बच्चे का जो आमोजसी अमल है वो गुज़िश्ता अमल और जो उसके प्रीवियस जो उसके नॉलेजेस हैं, जो उसके पहले के जो तस्वुरात हैं उन्हीं के बिना पे आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी लेवल पे तलबा बाहमी रब्त रब्त यानी कि इंटरेक्शन से, अंतःक्रिया से बेहतर तरीके से सीख सकता है। इसीलिए लेव वाइगोस्की ने समाजी तामुल के बारे में बताया कि ये सीखने में, जबान सीखने में मददगार होती है। जबानी नशोनुमा के लिए बच्चों को खुशहाल लिसानी माहौल यानी कि रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर, समृद्ध भाषिक वातावरण दस्तयाब कराना चाहिए। ऐसा माहौल हो जहाँ बच्चे बिना झिझक के अपने माफी ज़मीर की अदायगी कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकें, अपने स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकें। आगे कहा जा रहा है कि बच्चों की तदरीस मादरी जबान या घरेलू जबान में करनी चाहिए। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, चाहे कि वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो या फिर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट हो या फिर आर्टिकल 350A हो, सब में इस बात की सिफारिश की गई है कि हमें बच्चों को शुरुआत में क्लास 8 तक कम से कम मादरी जबान में पढ़ाना चाहिए। तो हम अगर बच्चों को शुरुआत में मादरी जबान में तालीम देते हैं और फिर बाद में मज़ीद जबानें सिखा देते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, पहले मादरी जबान और फिर मादरी जबान की ही मदद से मज़ीद जबानें सिखा दी, तो इससे हम कहेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग यानी मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता है। मादरी जबान शुरू से शुरू कराइए और मादरी जबान के ही आधार पर आप और भी मज़ीद जबानें पढ़ा दीजिए, तो यह मादरी जबान पे मबनी कसीर लसानियात। अच्छा बताइए, जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है, स्कूल में आता है, तो वो कैसा होता है? कोरा कागज होता है, खाली स्लेट होता है? जी नहीं, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान समझने की काफ़ी सलाहियत होती है, या फिर यूं कहें कि बच्चा स्कूल आता है तो तजर्बात का ख़जाना लेकर आता है, तो यह बात बिल्कुल सही होगी। कैसे तजर्बात का ख़जाना लेकर आता है? वो मादरी जबान सीख चुका होता है, मादरी जबान में वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा तजर्बात का ख़जाना लेकर आता है। तो जो बात का खजाना लेकर आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्लासरूम में जो बच्चा खजाना लेके आया है तजर्बात का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी क्लासरूम में पढ़ाते वक्त बच्चों की जबान को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, बच्चों की जबान को हमें क्लासरूम में तहफ्फुज़ देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। मान लो एक भोजपुरी बोलने वाला बच्चा, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा, चारों किस्म के बच्चे एक क्लासरूम में हैं, कोई अगर बच्चा भोजपुरी बोल दे तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है, बिल्कुल नहीं उड़ाना है, बल्कि हमें
एज ए टीचर क्या करना है, कोई भी लफ्ज़ अगर उसने भोजपुरी का बोला तो उसे दूसरी ज़बानों में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसे ही कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स, ठीक है। चलिए, कसीर लसानियात बच्चों के लिए मसाला या चैलेंज नहीं है, बल्कि ये एक असासा है। क्या है? संसाधन या रिसोर्स है। यह हमारे दिमाग पे मुसबत असरात डालती है और इल्मी महारतों को बढ़ाती है। कसीर लसानियात हमारे लिए मददगार है। अगर एक तालबे इल्म जिसकी घरेलू जबान और स्कूल की जबान मुख्तलिफ है, तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? बच्चा भोजपुरी का है तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? क्लासरूम में कसीर लसानियात को बतौर वसीला इस्तेमाल करना चाहिए, एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए। अच्छा, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, इससे काफ़ी सवाल आजकल पूछे जाते हैं, तो ये क्या होता है इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जो होता है वो किस किस्म के बच्चों में होता है? तो जो बाइलिंगुअल होते हैं, जो ज़ू-लिसानी होते हैं, जो द्विभाषी होते हैं, उन बच्चों में कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग होता है। अब कोड स्विचिंग होता क्या है, समझिए। एक जबान के बोलने वाले बच्चों में दूसरी जबान, एक जबान बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज या जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे ही हम मुंतकली यानी कि स्विचिंग कहते हैं। अगर कोई बच्चा हिंदी और गुजराती बोल रहा है, चुनांचे जरूरत के मुताबिक हिंदी से गुजराती और गुजराती से हिंदी बोलता है, तो ये कोड स्विचिंग है। आप बात कर रहे हैं, बात करते करते अचानक आप इंग्लिश में किसी से बात करने लगे, ठीक है, तो इसे करें कोड स्विच हो गया। आप जा रहे हैं रास्ते में दोस्तों से बात करते हुए भोजपुरी में बात कर रहे हैं, एक सुंदर कन्या का गुजर हुआ तो आपने अपना तलफ्फुज दुरुस्त करते हुए आपने शीरी जबान उर्दू का इस्तेमाल कर लिया ताकि वो आपसे मुतासिर हो जाए, तो ये आप भोजपुरी से उर्दू पे क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कोड स्विचिंग, एक जबान बोलते हुए दूसरी जबान भी बोलना। लेकिन कोड मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है, इसे समझते हैं। दूसरी जबान की हुसूल याबी उस जबान से मुतासिर होती है जिसे हम उसगार पहले से ही जानता है। इस असर को हम तबादला ख्याल यानी कि कोड मिक्सिंग कहते हैं। जैसे आप उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में ही एक एक लफ्ज़ आप हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उर्दू बोलते हुए एक एक लफ्ज़ आप अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं संडे को मार्केट जाऊंगा, तो आप बोल तो रहे हैं उर्दू, लेकिन उसमें आपने संडे इस्तेमाल किया और मार्केट इस्तेमाल किया, तो ये आपने दो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर लिया, तो ये आप क्या कर रहे हैं, कोड को मिक्स कर रहे हैं। तो उम्मीद है कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स हमने बताए थे वो सारे पॉइंट सीटेट में सवाल की सूरत में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब मैं सवालात दिखाता हूँ, सभी सवालात सीटेट में पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल की जबान सीखने के मुताबिक दर्जेल में से कौन से दो बयानात दुरुस्त हैं? चारों बयानात पढ़िए, इनमें से दो सही हैं, कौन से सही हैं? गलतियाँ मोजिस का हिस्सा हैं, बिल्कुल सही हैं। गलतियाँ जबान सीखने में रुकावट बनती है, जी नहीं, गलतियाँ जबान सीखने में अहम होती हैं। गलतियों को हमें फौरन सही भी नहीं करना चाहिए, गलतियाँ उस्ताद के लिए फीडबैक होती हैं, यानी कि 1 और 4 जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट होगा। तामीराती क्लासरूम में यानी जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है उसमें जो लर्निंग का सेंटर होता है वो क्या होता है? साबिका मालूमात को इग्नोर करना नहीं होता है, बल्कि साबिका मालूमात के बुनियाद पर नए इल्म की तश्कील करना होता है। यानी तामीराती क्लासरूम में सीखने का मरकज है इल्म की तश्कील खुद करना है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब एक जबान बोलने वाले किसी मौजू पे बात करते रस्मी से गैर रस्मी हो जाते हैं, फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाते हैं, एक जबान से दूसरी जबान में चले जाते हैं, तो वो स्विच करते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, कोड स्विचिंग यानी कि कोड बदलना कहेंगे।
कौमी दर्सियात का खाका सन 2005 क्या वकालत करता है? आमोजगार बतौर मालूमात का मेमार, यानी जो लर्नर्स हैं वो नॉलेज क्रिएटर हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। माखज के तौर पर कसीर लसानियात, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स का मतलब क्या है? तो मैंने बताया था, जब आप क्लासरूम में किसी बच्चे की मादरी जबान का इस्तेमाल करते हैं तो वो है मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स। आमोजगारों को ज़्यादा जबानों की आमोजिस का मौका देना ये नहीं है, बल्कि स्कूल में तदरीसो आमोजिस के लिए आमोजगारों की जबान को इस्तेमाल करना। अगर बच्चा भोजपुरी का है तो भोजपुरी की जबान भी क्लासरूम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। मादरी जबान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग का मतलब क्या है? सिर्फ आप मादरी जबान में पढ़ाइए जी नहीं, मादरी जबान अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाए जी नहीं, मादरी जबान से आप शुरुआत कीजिए और बाद में दूसरी जबानें पढ़ा दीजिए, तो यह है मादरी जबान पर मबनी कसीर लसानियात। दावा और दलील भी सीटेट में पूछा जाता है, दोनों आपको बयानात को पढ़ने हैं फिर बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दावा, किसी तस्वुर को पढ़ाते वक्त तलबा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ना ज़रूरी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है ना कि आप सिर्फ स्कूल में ही मत बच्चों को डिपेंड रखिए और दर्सी किताब पे मत मरकूज रखिए, बल्कि दर्सी किताब के अलावा इजाफी मवाद भी पढ़ाइए, बच्चों की डेली लाइफ से नॉलेज को रिलेट करके पढ़ाइए। तो दावा में यही बात कही गई है, किसी कंसेप्ट को पढ़ाते वक्त हमें स्टूडेंट की डेली लाइफ से रिलेटेड नॉलेज को जोड़ना भी ज़रूरी है। तो दावा बिल्कुल सही है, दलील है कि आमोजिस सबसे ज़्यादा मुतासर होती है जब रट कर हासिल करती है। रटना, रोट लर्निंग, मेमोराइजिंग, दिस इज नेगेटिव टैग वर्ड, तो दलील गलत हो गई। तो दावा तो सही है, दलील गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तामीरियत पसंद बतौर आमोजसी नज़रिया जो है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, उसमें जो लर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लासरूम में होने वाली तदरीस से नई मालूमात हासिल करते हैं, या फिर कुल्लियों की मश्क से जो रूल्स हैं उनको प्रैक्टिस करके ज़बान सीखते हैं, या फिर सभी लर्नर्स इक्वली यकसा अंदाज में सीखते हैं, या फिर बच्चे साबिका मालूमात से जोड़कर आमोजिस करते हैं। तो बच्चे प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके जब नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं तो ये बात होती है कंस्ट्रक्टिविज्म में। दावा और दलील यहाँ पे भी दी गई है, जबान के उस्ताद को क्लासरूम में बच्चों की जबान को इज्जत देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। भोजपुरी का भी बच्चा अगर क्लासरूम में अपनी जबान इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। कसीर लसानियात क्लासरूम में रुकावट नहीं है, तो दलील गलत हो गई। दावा सही है, दलील गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब बच्चा स्कूल आता है तो तजर्बात का खजाना लेके आता है, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने समझाया। दूसरी जबानों की आमोजिस के लिए बच्चे की मादरी जबान माविन होती है, सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपकी जो पहली जबान मादरी जबान है वो मददगार होती है, बिल्कुल होती है। तो दलील भी सही है, दावा भी सही है, दोनों सही हैं, दावा और दलील दोनों सही हैं। फिर से वही सवाल देखिए, इस तरह के सवालात हर साल सीटेट में आते हैं। तामीरियत पसंदी नज़रिया क्या कहता है? कहता है कि आमोजगार जो हैं वो मालूमात के मेमार हैं, नॉलेज क्रिएटर हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्टर हैं, और दुनिया के बारे में अपनी समझ वो खुद बनाने वाले हैं, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, समझ में आया कि नहीं आए कमेंट में बताइए, अपना फीडबैक कमेंट में आप लोग ज़रूर दीजिए। क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।